जोधपुर के लोहावट से विधायक गजेंद्र सिंह खींवसर के प्रदेश के ऊर्जा मंत्री बनने के बाद पहली बार भीकम कौर गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके लिए ऊर्जा मंत्री ने ग्रामीणों का आभार जताया, साथ ही उन्होंने कहा कि वे इलाके के चहुमुखी विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा के नेताओं का जनता को धन्यवाद देने का सिलसिला जारी है। आज लोहावट विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार विधायक चुने गए ऊर्जा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जनता को धन्यवाद दिया। इस दौरान खींवसर ने कहा कि वे हर समस्या के समाधान के लिए कार्य योजना बनाकर अच्छे परिणाम लाकर दिखाएंगे। अपने राज्य लेवल पे जनता ने जो दी वो अपना पूरा विश्वास जताया, और मेरे ख्याल में ये जो रिकॉर्ड वसुंधरा जी ने प्राप्त किया है, मेरे ख्याल में ये आजीवन रिकॉर्ड है, ये कभी टूटेगा नहीं। जनता का जो प्रेम है, अटूट प्रेम है, और एक ये जो प्रेम जो है ये हमें पूरा प्रेशर देता है कि भाई हमें काम करने हैं। जैसे आज की जो सभा है, यहाँ भीकमकौर गाँव के अंदर पानी की बहुत समस्या है। मैं सब हर वक्त कहता रहा कि भाई सरकार अपनी नहीं है, क्योंकि ये बड़ी स्कीम है। अब हमारे हाथ खुल गए हैं और महसूस होता है कि इनका जो सपना, हम जो वादा है वो पूरा करेंगे। जनता के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे तब तक वो सरकार प्रजातंत्र के अंदर सफल सरकार नहीं हो सकती। इसलिए सरकार उदाहरण पेश करना चाहती है। जिस तरह से पिछली बार भी हमारे जैसे मंत्री जी थे, जनता के बीच में रहते थे, वो वापस MLA बनकर आए। संपूर्ण विधानसभा चुनाव में लोहावट से गजेंद्र सिंह खींवसर को मतदाताओं ने विधानसभा में क्या भेजा कि वापस धन्यवाद देने के लिए गजेंद्र सिंह खींवसर एक मंत्री के रूप में यहां पहुंचे हैं और जनता को जिस तरह से धन्यवाद दे रहे हैं और जिस तरीके से दूर दराज क्षेत्रों की जनता उमड़ी है, उसे साफ तौर पर लगता है कि अपने नेता पर इस क्षेत्र की जनता को कितना भरोसा है। और हो भी क्यों नहीं, जिस तरीके से धन्यवाद देने के साथ साथ ये भी भरोसा दिलाया कि चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो या फिर किसी प्रकार की समस्या, वे हमेशा उनके भागीदार बनेंगे, जैसे पिछली बार जब विधायक रहे वैसे बने थे। कैमरामैन शिव सिंह के साथ राजीव गौड़, ETV न्यूज़, भीकमकौर, जिला जोधपुर।